हेलो बच्चों वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर बेटा ग्राफ्स एंड इन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़े थे आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि आप क्या सीखने वाले हो बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइन सेकेंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड किस इंटरवल से किस इंटरवल के बीच में हम फंडामेंटल वैल्यूज को लेते हैं या प्रिंसिपल वैल्यूज को लेते हैं दिस लेक्चर इज द बैकबोन फॉर अंडरस्टैंडिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हिच इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर क्लास ट्वेल्थ मैथ सिलेबस इट अगेन हैज अ वेटेज इन वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एज वेल जेई में यू विल डेफिनेटली गेट अ क्वेश्चन ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनाते हैं दिस लेक्चर विल बी स्ट्रिक्टली डीलिंग विद द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम साइन इनवर्स एक्स एंड बाई दी एंड ऑफ द लेक्चर यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ग्राफ ऑफ सी कैंड इनवर्स एक्स चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एज आई हैलवेज टोल्ड यू रिलेशन एंड फंक्शंस में हमने लास्ट लेक्चर में इनवर्स फंक्शंस में वी हैव स्टडीड कि किसी भी फंक्शन का बच्चों इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है व्हेन द फंक्शन इज वन वन ऑन टू अगर मेरा फंक्शन वन वन ऑन टू नहीं है देन आई कैन नॉट फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन तो मुझे क्या बनाना है मुझे अभी साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स अप टू सीकेंट इनवर्स एक्स मुझे ये सारे ग्राफ्स बनाने हैं अच्छा ये सभी इनवर्स फंक्शंस हैं बट सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि वेदर इनका इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो किस वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं कैसे अपनी डोमेन को ट्रंकेट करके छोटा करके इनका इनवर्स बना सकता हूं तो हम हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ उसके पेरेंट फंक्शन से शुरू करेंगे एंड धीरे से हम स्टडिली बाई स्टेप बाई स्टेप मैं साइन एक्स से साइन इनवर्स एक्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स एंड सो ऑन ऐसे बनाऊंगा क्लियर है तो चलिए आई होप ये लेक्चर देखने से पहले आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पता होने चाहिए तो इफ यू हैवन वॉच द प्रीवियस लेक्चर गो ऑन द लिस्ट ऑफ द सजेस्टेड वीडियो एंड प्लीज वॉच इट दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं अगर साइन एक्स की बात करूं तो हम सभी जानते हैं दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स क्लियर है अब हमारा यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमें बच्चों बनाना है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्लियर है अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तभी एग्जिस्ट करेगा या साइन इनवर्स एक्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये वन वन ऑन टू होगा अब ऑन टू तो डोमेन और को डोमेन पर डिपेंड करता है जो होगा ही होगा बेसिकली मुझे क्या चेक करना है कि क्या फंक्शन है तो वन वन के लिए मेरे पास एक टेस्ट है ऑलरेडी जिसको मैं बोलता हूं हॉरिजोटल लाइन टेस्ट तो अगर मैं एक हॉरिजोंटल लाइन डालू तो वट आई ऑब्जर्व कि मेरी लाइन फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे काट रही है जब कभी भी मेरी लाइन मेरे मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर काटेगी तो मेरा फंक्शन वन वन नहीं हो सकता तो बच्चों अगर ये फंक्शन वन -वन नहीं हो सकता तो क्या साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्या ऐसा है कि आपने कभी साइन इनवर्स एक्स देखा ही नहीं जी नहीं बिल्कुल भी नहीं साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा कैसे एग्जिस्ट करेगा वो हमें देखना है अगर मैं अपने साइन एक्स के ग्राफ को एक ऐसे पीरियड पे चेक करूं जहां पर मैं कह सकूं कि वो वन वन है तो ध्यान से देखेंगे बच्चों अगर मैं अपना ग्राफ यहां से यहां चेक करूं मतलब अगर मैं अपना ग्राफ माइनस पाई बाई टू से बच्चों पाई बाई टू के बीच में चेक करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस इंटरवल में मेरा ग्राफ या मेरा फंक्शन वन वन है बिल्कुल वन वन है क्योंकि इस इंटरवल में यहां से यहां तक केवल एक बार मेरी लाइन मेरे ग्राफ को काट रही है अच्छा जैसे मैंने आपको माइनस है ऐसे और इंटरवल्स भी हो सकते हैं अगर मैं यहां से यहां चेक करूं तो भी मेरा फंक्शन वन वन है अगर मैं यहां से यहां चेक करूं ऐसे तो भी मेरा फंक्शन वन वन है तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं अगर मैं अपने फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में ट्रंकेट कर दूं तो मैं फंक्शन को वन वन कह सकता हूं अब बच्चों यहीं पर आता है प्रिंसिपल वैल्यू का प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू ध्यान देंगे वैल्यू ये आपके एफ की पहली एक्सरसाइज है वहां पर आपको सिर्फ इन इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा मैं अपने ग्राफ का वो पोर्शन लूंगा जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा ओरिजिन इंक्लूड हो मुझे ध्यान रखना है मुझे ऐसे इंटरवल को प्रिंसिपल वैल्यू बनाना है जहां पर मेरा ओरिजिन इंक्लूड हो अब यहां पर अगर आप देखिए तो कई एरियाज में कई रीजन में ये फंक्शन वन वन हो सकता है यहां से यहां भी वन वन है यहां से यहां भी वन वन है यहां से यहां भी वन वन है, है मगर इन सभी इंटरवल्स में ये मेरा वो इंटरवल है बच्चों जहां पर मेरा ओरिजिन इंक्लूडेड है तो मैं क्या बोलूंगा साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लियर है तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बिल्कुल बना सकता हूं ये पहली चीज है जो मुझे हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ध्यान देनी है कि कहां पर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है अब बच्चों आते हैं कॉन्सेप्ट पे कि मैं ग्राफ बनाऊं कैसे तो ग्राफ बनाने के बेसिक दो तरीके हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है आइडेंटिफाई करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू कहां है मुझे आइडेंटिफाई करना है बच्चों की प्रिंसिपल वैल्यू कहा है उसके बाद मुझे क्या करना है एक्सिस 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 के के पॉइंट्स पॉइंट्स को को पे पे कन्वर्ट कन्वर्ट कर कर देना है कर देना है 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 और ध्यान रखना है मुझे मेरा जो भी चीज एक्स एक्सिस पे आ रहा है उसको वाई एक्सिस पे मैं पहले ही लिख लूंगा जो भी चीज मेरी वाई एक्सिस की है मैं उसे पहले ही एक्स एक्सिस पे लिख लूंगा तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों मुझे क्या करना है मुझे इमेज लेनी है एफ एक्स की अबाउट वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन हमने जब ग्राफ्स एंड इन स्टार्ट किया था बच्चों पहला लेक्चर जब हमने पढ़ा था फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफ्स आप जाकर वीडियो लिस्ट में चेक कर सकते हो मैंने वहीं पर आपको बताया था कि अगर मुझे एफ एक्स मालूम है एफ एक्स का ग्राफ मुझे मालूम है और मुझे एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है तो मुझे कुछ नहीं करना है बच्चों y X पर एफ एक्स ग्राफ की इमेज ले लेनी है तो यही बच्चों मैं करने वाला हूं मुझे बनाना था साइन इनवर्स एक्स ठीक चलिए बनाते हैं साइन इनवर्स एक्स ध्यान से देखेंगे क्या कर रहे हैं सबसे पहली चीज तो मैं क्या देखूं मेरे एक्स अच्छा साइन इनवर्स एक्स बनाने से पहले अब मैं क्या करूं अब मैं अपना ग्राफ सिर्फ उस इंटरवल पे बना लूं जिस इंटरवल पे मेरा फंक्शन वन वन है तो मैं क्या करूंगा बच्चों ध्यान से देखेंगे मैं अपना ग्राफ थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं एंड नाउ माय ग्राफ इज दिस इज माइनस पाई बाई टू दिस इज प्लस पाई बाई टू एंड टू बी माई ग्राफ क्लियर है यही है मेरा साइन एक्स का रीजन Fine. मुझे बच्चों को क्या करना है मुझे इस ग्राफ की इमेज लेनी है मैं ये, ये मेरा साइन एक्स है और यहां पर बच्चों में साइन इनवर्स एक्स बनाऊंगा ध्यान से देखेंगे कि कैसे बना रहा हूं तो सबसे पहली चीज अच्छा ये पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चों प्लस वन पॉइंट होना चाहिए माइनस वन क्योंकि मुझे मालूम है साइन एक्स का रेंज प्लस वन से माइनस वन होता है तो मैं वाई वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स पहले एक्स एक्सिस पे बना लूं ये माइनस वन बना लूं बच्चों प्लस वन बना लूं मैं एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स वाई एक्सिस पे बना लूं मतलब इसको मैं प्लस पाई बाई टू बना लूं इसको मैं माइनस पाई बाई टू बना लूं क्लियर है मुझे वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन ये मेरी y इज इक्वल टू एक्स लाइन है y इज इक्वल टू एक्स इस लाइन पर बच्चों इस ग्राफ की इमेज लेनी है इस पॉइंट पर इस ग्राफ की इमेज लेनी तो अब ध्यान से देखिए मेरा जो ये पोर्शन है ये इसकी इमेज क्या आएगी ये आएगी क्लियर है मेरा जो ये पोर्शन है इसकी इमेज क्या आएगी बच्चों ये आएगी क्लियर है इमेज आप बना सकते हो इमेज इज नथिंग बट योर मिरर पर मुझे देखना है कि अगर मैं बीच में शीशा लगा दू तो कैसी इमेज बननी है ध्यान रखेंगे ये दोनों दोनों लाइन दोनो पॉइंट्स पर हमेशा कट करेंगे तो मेरा जो रेड लाइन से बना हुआ ग्राफ है ये बच्चों मेरा ग्राफ हुआ साइन इनवर्स x का तो साइन इनवर्स x का ग्राफ मेरा कैसा आया दिस इज माई ग्राफ फॉर साइन इनवर्स एक्स क्लियर है आई होप समझ में आ गया होगा अब अगर मैं डोमेन की बात करूं बच्चों तो फंक्शन की डोमेन क्या है वट इज द डोमेन हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक्स एक्सिस वाला जो पार्ट है दैट इज ऑलवेज डोमेन तो फंक्शन का डोमेन हुआ माइनस वन से प्लस वन अगर मैं रेंज की बात करूं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं वो मेरी रेंज होते हैं रेंज मेरी क्या हुई बच्चों माइनस फाइ बाई टू से प्लस फाई बाई टू तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रिंसिपल वैल्यू तो प्रिंसिपल वैल्यू बच्चों क्या हुई अगेन प्रिंसिपल वैल्यू हुई बच्चों से तो ये तीन चीजें हैं जो मुझे साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ पे याद रखनी है क्लियर है आई होप आपको समझ में आया होगा एक बार नोट कर लीजिए सो दैट वी कैन मूव ऑन टू दी कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ चलिए अब देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ अगेन ग्राफ बनाने के लिए मुझे सबसे पहले फंक्शन को वन वन चेक करना है मुझे फंक्शन वन वन नहीं दिखाई दे रहा अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो वो लाइन मेरे ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगी तो मेरा फंक्शन वन वन नहीं है अब मुझे क्या करना है मुझे ओरिजिन के पास एक ऐसा रीजन ढूंढना है जहां पर मेरा फंक्शन वन वन हो तो मैं क्या देख रहा हूं ये वो मेरा रीजन है दिस वन जहां पर मेरा फंक्शन वन वन हो सकता है कहां से कहां तक बच्चों जीरो से लेकर पाई तक क्लियर है ये वो रीजन है जहां पर मेरा फंक्शन वन वन हो सकता है तो पहली चीज तो मुझे पता चल गई कि मेरे कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आनी है प्रिंसिपल वैल्यू आनी है बच्चों जीरो से पाई क्लियर है जीरो से पाई ही मेरी प्रिंसिपल वैल्यू आनी है चलिए अब बनाते हैं इसका ग्राफ तो अगेन मैं क्या करता हूं मैं केवल उतना ही पोर्शन ले लेता हूं जितना पोर्शन मुझे जरूरी है ध्यान से देखेंगे अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ दिस तो मुझे बच्चों क्या देखना है मुझे देखना है ये रीजन ये रीजन मुझे देखना है या इसको मैं अगर और बेहतर बनाऊं तो ये वो रीजन है जो मुझे देखना है ध्यान देने वाली बात क्या है दिस इज पाई दिस इज पाई बाई टू दिस इज जीरो दिस इज प्लस वन एंड दिस इज माइनस वन क्लियर है तो मुझे बनाना है बच्चों कॉस इनवर्स एक्स तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूं एक्स और वाई की सारी वैल्यूज को बदल दूं चलिए कैसे बदलूंगा एक्स एक्सिस पे मेरा ग्राफ पे तीन पॉइंट है। जीरो पाई बाई टू और पाई तो वाई एक्सिस पे मैं तीन पॉइंट बना लू बच्चों जीरो वाई एक्सिस पे बच्चों मेरे पास दो पॉइंट थे कौन कौन से प्लस वन एंड माइनस वन तो एक्स एक्सिस पर भी मैं दो पॉइंट बना लेता हूं कौन कौन से पॉइंट बना लू माइनस वन बच्चों एंड प्लस वन क्लियर है दिस इज इंपॉर्टेंट नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या होना चाहिए मुझे बच्चों वाई इज इक्वल टू एक्स ये मैंने बना ली वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन इस लाइन पर मुझे इमेज लेनी है ध्यान देंगे इस लाइन पर मुझे एक्सक्यूज <coughs> मी, इस ग्राफ की इमेज लेनी है अब एक चीज जरा ध्यान से देखेंगे कॉस एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस पर पाई बाई टू वाली लाइन को कट कर रहा है तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ भी इस पॉइंट को तो कट करेगा ही करेगा पहला ऑब्जर्वेशन मेरा क्या होना चाहिए कि मेरा ग्राफ इस पॉइंट को कट करेगा अब बच्चों इनवर्स देखने का बहुत बेसिक सा रूल है जो चीज राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगी जो चीज नीचे है वो चीज ऊपर आ जानी चाहिए ये बेसिक सा रूल है मुझे किसी भी ग्राफ का अगर इनवर्स देखना है तो उसका तो अब ध्यान से देखेंगे कि हम इनवर्स कैसे बना रहे हैं बहुत ध्यान से देखेंगे मेरा ये जो पोर्शन है ये वाला दिस पोर्शन इसकी अगर मुझे इमेज देखनी है बच्चों तो इसकी इमेज इस लाइन पर क्या आएगी मैं आपको यहां से दिखाता हूं ये मेरी लाइन है अगर ये मेरा हिस्सा ऐसे है तो इसकी जब मैं इमेज बनाऊंगा तो वो हिस्सा ऐसा आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए इट्स वेरी लॉजिकल इसके सिवा कुछ नहीं आ सकता क्लियर है ये हिस्सा मेरा ऐसे आना चाहिए अच्छा ये जो मेरा पोर्शन ऐसे है लाइक दिस like इसकी जब मैं इमेज लूंगा तो मेरा आउटपुट कैसा आना चाहिए कुछ ऐसा आना चाहिए मतलब अगर मैं अगेन वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन है मेरी मैं अगेन वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन बना दूं लाइन के नीचे मेरे पास क्या था बच्चों कुछ ऐसा था तो लाइन के ऊपर मेरे पास कैसा आना चाहिए कुछ ऐसा आना चाहिए क्लियर है तो अब मुझे क्या करना है मुझे इसको और इसको कंबाइन करना है एक चीज मुझे और पता है कि मेरा पाई बाई टू पे कट करेगा ही करेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा ग्राफ पाई बाई टू पर कट करेगा ही करेगा मैं इसको थोड़ा और पास बना लेता हूं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो इसको माइनस वन कर लेता हूँ इसको प्लस वन कर लेता हूं अब ध्यान से देखिएगा मेरा ये जो पोर्शन था ये वाला इसको मैंने यहां बनाया ऐसे और ये मेरा ऐसे चला गया क्लियर है ये इतना कर्व आएगा नहीं ना इतना फ्लैट आएगा ये जब आप वैल्यूज ट्रेस करोगे तो ग्राफ आपका ऐसा ही आएगा तो मेरा कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ कैसा आएगा बच्चों ध्यान दे, देखेंगे प्लस वन से लेके ये माइनस वन तक ही जाएगा दिस वन इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स फिर से बता देता हूं आपको मेरा जो ये पोर्शन था ये, दिस पोर्शन इसकी इमेज कहां है यहां नीचे समवॉट अगर ये मेरी लाइन थी अगर ये मेरी लाइन थी से ये मेरी लाइन थी तो इसकी इमेज ये है। दिस पोर्शन इज द इमेज किसकी इसकी और इसकी इमेज कहां है बच्चों इसकी इमेज कहां है इसकी इमेज इसकी इमेज है ये क्लियर है दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ मिल रहा है अगेन अगर मैं डोमेन की बात करूं बच्चों तो डोमेन वो सभी पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पे है तो मेरा फंक्शन माइनस वन से वन एग्जिस्ट कर रहा है अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या है बच्चों जीरो से पाई अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं बच्चों तो प्रिंसिपल वैल्यू अगेन टू आपको समझ में प्रोसीड विद द ग्राफ्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स चलिए चलिए बच्चों ये मैंने आपके सामने टेन एक्स और कॉट एक्स का ग्राफ बना रखा है मैंने सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बनाया है ग्राफ्स में जस्ट प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं हम लोग तो मैं डिटेल में नहीं बना रहा हूं मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इसके बाद फिर मेरा ग्राफ ऐसे ही आएगा आगे पाई पे कट करता हुआ सोन so यहाँ पर अगेन इट विल बी लाइक दिस तो वो सब मैं बार बार नहीं बना रहा हूं क्लियर है आप जानते हैं कि पाई बाई टू प्लस माइनस पाई बाई टू पर एसिम्प्टोट होता है एसिमटोट जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं वो पॉइंट्स हैं जहां पर मेरा फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है ग्राफ हो जाता है बट कभी मिलता नहीं है आई एम कंसर्न अबाउट इज द इनवर्स ऑफ तो चलिए इनवर्स के लिए मैंने जैसे आपको बताया सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे एक्स और वाई को बदल लेंगे ध्यान देंगे एक्स और वाई को बदल लेंगे तो एक्स एक्सिस पे मेरे पास कौन से पॉइंट्स हैं माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है वो ये है कि माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू पर सिमटोट है तो मुझे क्या करना है मुझे सबसे पहले प्लस पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू बना लेना है दिस इज माई माइनस पाई बाई टू दिस इज माई प्लस फाइव बाई टू क्लियर है दिस इज माई प्लस फाइव बाई टू और यहां पर क्या है ए सिमटोट्स है तो मैंने बिल्कुल वैसे ही ए

टेक द इमेज ऑफ द ग्राफ अबाउट दाई इज इक्वल टू एक्स तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन पर जब मैं अपने ग्राफ का इमेज बनाऊंगा तो बच्चों इस लाइन की इमेज क्या आ जाएगी ऐसी और इस लाइन की इमेज क्या आ जाएगी ऐसी क्लियर है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाए बाकी तो मैं ग्राफ बना ही लूंगा तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर बच्चों ग्राफ का क्या है यहां पर मेरा ग्राफ कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है अल्टीमेटली ये जाएगा इंफिनिटी की तरफ और यहां पर मेरा ग्राफ कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है आप देख रहे हैं ये मेरे ग्राफ का बेसिक शेप जा रहा है लाइक दिस दिस इज इंफिनिटी दिस वे एंड दिस इज इंफिनिटी दिस वे ध्यान रखना है माइनस पाई बाई टू और प्लस फाइव बाई टू पर ए सिमटोट्स हैं आपको ये ग्राफ यहां पर टच नहीं कराना है डोमेन क्या आ जाएगी फंक्शन की बच्चों एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट जो है ऑल रियल नंबर रेंज क्या आ जाएगी बच्चों रेंज आ जाएगी ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ध्यान रखेंगे ओपन इंटरवल है हैं इसीलिए फंक्शन की वैल्यू वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमें भी ये गलती नहीं करनी है फाइन और सेम आ जाएगी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तो ये मेरा ग्राफ हो गया टेन इनवर्स एक्स का अब बच्चों हम कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे वैसे तो अगर हम टेन इनवर्स बना चुके हैं तो हमारे लिए inverse बनाना मुश्किल नहीं है यहां पर मुझे क्या करना है y y ये मेरी लाइन है इसके अबाउट इमेज लेनी है बट इमेज लेने से पहले मुझे क्या करना है x एक्सिस के सभी पॉइंट्स को y एक्सिस पे कर देना है मतलब जीरो पाई बाई टू एंड पाई एंड वाई एक्सिस के जितने पॉइंट्स हैं वो मुझे एक्स एक्सिस पे ले लेने हैं तो जब मैं ये पॉइंट्स बना रहा हूं तो मुझे मालूम है कि पाई पर मेरे पास एक ए सिमटोट है तो मुझे पाई पर एक ए सिमटोट बनाना है दिस इज इंपॉर्टेंट अगर आप स्टेप फॉलो करोगे तो ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये मैंने पाई पर एक ए सिमटोट बना लिया दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या दिख रही है कि ये ग्राफ मेरा पाई बाई टू को एक्स एक्सिस पे काट रहा है तो वाई एक्सिस पर भी ये कहीं ना कहीं पाई बाई टू को काटेगा इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है फाइन अब अगेन मुझे इमेज लेनी है तो आप देख लीजिए यहां से ये ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ अगर टेंड कर रहा है बच्चों तो अगर मैं इसकी इमेज यहां पर लूंगा तो ये यहां पर भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करना चाहिए विद अ कर्व यहां पर भी ये इंफिनिटी की तरफ टेंड करना चाहिए विद अ कर्व क्लियर इसकी इमेज अगर मैं बनाऊं तो कैसी बनेगी यहां पर भी ये इंफिनिटी की तरफ टेंड करना चाहिए विद अ कर्व ध्यान से देखेंगे यहां पर भी ये इंफिनिटी की तरफ टेंड करना चाहिए देखिए ये एक्स एक्सिस मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इंफिनिटी है बच्चों ध्यान से देखेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन पर यह कर्व मेरा इंफिनिटी पे टेंड कर रहा है तो जब मैं इसकी इमेज लूंगा तो इमेज भी तो एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन पर इंफिनिटी की तरफ टेंड करनी चाहिए ना आप देखिए यही तो मेरी x इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन है यही मेरी x एक्सिस है और ये जीरो पॉइंट है तो x इज इक्वल टू तो जीरो लाइन पर ही ये इन्फिनिटी पर टेंड करना चाहिए फाइन यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि पाई बाई टू से पाई के बीच में जब मैं जा रहा हूं तो पाई वाली लाइन इन्फिनिटी पर टेंड कर रही तो ये यह मेरा यहां से ऐसे इन्फिनिटी पर टेंड करना चाहिए यहां से ऐसे इन्फिनिटी पर

केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है ध्यान से देखेंगे मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं यह मेरी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है ऊपर मेरा ग्राफ कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है फाइन तो अगर मैं बच्चों इसकी इमेज ले लू तो इसकी इमेज कैसी आएगी नीचे यह ग्राफ ऐसे ही तो जाना चाहिए ना भाई अगर यह मेरा ऑब्जेक्ट है यह मेरा ऑब्जेक्ट है यह मेरा मिरर है तो यह मेरी इमेज हुई सॉरी यह मेरी इमेज हुई तो बच्चों जैसा ऑब्जेक्ट है इमेज वैसी ही तो होगी ये मेरा ऑब्जेक्ट था दिस वॉज माई ऑब्जेक्ट तो दिस हैपन्स टू बी माई इमेज आप देखिए अगर मैं शीशा रख दूं और यही चीज बच्चों मैंने यहां बनाई भी है देखिए यहां पर मैंने यही चीज बनाई भी है ठीक है तो कोई मुश्किल नहीं है आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहां पर भी आप देखो ये मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है ऐसे सम वॉट है ना अगेन ये मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है तो अगर मैं इसकी इमेज बनाऊंगा बच्चों तो कैसी जाएगी ये मेरी इमेज ऐसी ही जानी चाहिए कोई प्रॉब्लम इमेज जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था पाई बाई टू पे कट कर रहा था तो यहां पर भी बच्चों पाई बाई टू पर कट कर रहा है क्लियर है चलो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या हुआ फंक्शन का

बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अगर ग्राफ्स क्लियर हो जाते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज क्लियर हो जाती हैं तो आगे के कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान हो जाते हैं प्लीज नोट इट डाउन सो दैट वी कैन प्रोसीड विथ को इनवर्स एंड सी इनवर्स चलिए बच्चों दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है ध्यान से देखेंगे बहुत सिंपल है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है चलिए कौसेक एक्स का मेरे पास ग्राफ है और मुझे कौेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहली चीज़ मुझे जो करनी है बच्चों वो मुझे अपने फंक्शन को वन वन बनाना है तो अब मुझे देखना है कि मेरा फंक्शन वन वन कहां पर हो सकता है तो अगर आप ठीक से एग्जामिन करें तो ज़ीरो से पाई के बीच में, में मेरा फंक्शन वन वन नहीं है मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची दो जगह काट रही है तो मेरा फंक्शन वन वन नहीं है क्लियर है जरा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में देखिए ध्यान से देखिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू दिस एक मेरा ग्राफ ऐसा आ रहा है एक मेरा ग्राफ ऐसा आ रहा है तो दिस इज वन वन तो मैं अब क्या कर रहा हूं ध्यान से देखेंगे ये ग्राफ हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में एक ये पोर्शन आ रहा है ग्राफ का एक ये पोर्शन आ रहा है ग्राफ का तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन कहीं पर भी खींचूंगा देखिए ये रीजन तो ये रीजन तो मेरे ग्राफ में है ही नहीं अगर आपको कॉसेक एक्स का डोमेन रेंज पता हो तो ये रीजन तो मेरे ग्राफ में है ही नहीं वो माइनस वन के ऊपर जाता वन के ऊपर जाता है और माइनस वन से नीचे जाता है टू इंफिनिटी तो आई एम नॉट बॉर्दर्ड अबाउट दिस पोर्शन क्लियर है ये मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कॉशेक एक्स का ग्राफ हम साइन एक्स से ही बनाते हैं अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू द लेक्चर अब मैं सिर्फ इतने इंटरवल में बच्चों इसका ग्राफ बना रहा हूं ध्यान से देखेंगे कैसे बना रहा हूं बहुत ध्यान से देखेंगे ये जीरो है ये बच्चों पाई बाई टू है ये माइनस पाई बाई टू है मैं पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू पर लाइंस बना देता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए तो अभी मैं सिर्फ कॉसेक एक्स का बच्चों ग्राफ बना रहा हूं आई एम ड्रॉइंग ग्राफ ऑफ ओनली कॉसेक एक्स क्लियर है ये पॉइंट मैंने मान लिया प्लस वन है ये पॉइंट मैंने मान लिया माइनस वन है तो मेरा ग्राफ क्या कर रहा था अगर आपको ध्यान हो <coughs> तो पाई बाई टू वाली लाइन से मेरा जो ग्राफ है दैट वाज गोइंग अप ओरिजिन मतलब ये कुछ ऐसा ऐसा आ रहा था है ना जस्ट गो थ्रू दी जस्ट पॉज द वीडियो वापस देखिए क्या जीरो से पाई बाई टू के बीच में मेरा ग्राफ ऐसा ही आ रहा था कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये ग्राफ मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है क्लियर है कोई डाउट चलो यहां पर मेरा ग्राफ कैसा जा रहा है बच्चों यहां पर मेरा ग्राफ जा रहा है टूवर्ड्स इंफिनिटी यहां पर मेरा ग्राफ जा रहा है टूवर्ड्स इंफिनिटी पॉज द लेक्चर थोड़ा सा रिवाइंड करिए वापस कॉसेक एक एक्स का ग्राफ देखिए और मुझे बताइए क्या माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में मैंने ग्राफ सही बनाया है बिल्कुल सही बनाया है अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है मुझे बच्चों इसका इनवर्स बनाना है ध्यान से देखेंगे देखिए पहले स्टेप में मैंने क्या किया मैंने वो इंटरवल आइडेंटिफाई कर लिया जहां पर मेरा फंक्शन वन वन था फिर मैंने क्या किया मैंने सिर्फ उस इंटरवल का ग्राफ आपके सामने रख दिया है थोड़ा सा आपको आपको ब्रॉड ब्रॉड मैंने इसको कर दिया ताकि समझ में आए वरना बेसिकली ये ग्राफ ऐसे चला जाता और ये ग्राफ ऐसे चला जाता तो हमने वो सारे रीजन नहीं बनाए क्यों नहीं बनाए क्योंकि हम अपनी प्रिंसिपल वैल्यू पर ही रहना चाहते हैं और मेरी प्रिंसिपल वैल्यू माइनस फाइव बाई टू से प्लस पाई टू है चलिए मुझे इसका इनवर्स बनाना है तो मैं क्या करूं सबसे पहले अपना बेसिक रूल है कोऑर्डिनेट एक्सिस बना कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के बाद एक्स एक्सिस पे मेरे जो पॉइंट्स थे उनको बच्चों में वाई एक्सिस पे ले जाऊं एक्स एक्सिस पे मेरे पास कौन कौन से पॉइंट्स थे जीरो था पाई बाई टू था और माइनस पाई बाई टू था तो मैं यहां पर जीरो बना लेता हूं यहां पर पाई बाई टू बना लेता हूं एंड यहां पर माइनस पाई बाई टू बना लेता हूं ये पहला काम था चलिए बच्चों वाई एक्सिस पे देखिए मुझे <coughs> वाई एक्सिस अच्छा जीरो पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू पर मुझे लाइंस मिल रही थी वाई एक्सिस के पैर पैरल तो ये लाइंस मेरी बन जाएंगी एक्स एक्सिस के पैरेलल देखिए मुझे पूरा ग्राफ रेप्लिकेट करना है तो मैं वही कर रहा हूं बच्चों पूरा ग्राफ रेप्लिकेट कर रहा हूं चलिए नेक्स्ट चीज क्या है प्लस वन और माइनस वन ये वाई एक्सिस पे पॉइंट्स थे बच्चों तो ये पॉइंट्स में बना लू इसको बना लू माइनस वन इसको बना लू प्लस वन ठीक अब ध्यान देने वाली बात क्या है मेरा कॉशेक एक्स का ग्राफ प्लस वन से ऊपर ही जा रहा है तो ये मेरा रीजन प्लस वन से ऊपर ही जाएगा ये मेरा माइनस वन से नीचे जा रहा है तो यह ग्राफ मेरा माइनस वन से बाहर ही जाएगा तो मैं क्या करूं प्लस वन और माइनस वन को भी डॉट करके बना लूं ताकि मुझे बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो चलिए फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया है मैंने एक्स एक्सिस के पॉइंट्स माइनस फाइव बाई टू जीरो और पाइव बाई टू को माइनस फाइव बाई टू जीरो और फाइव बाई टू बना लिया यहां पर मेरे पास दो लाइंस थी मैंने दो लाइन खींच दी ई एक्सिस पे मेरे पास पॉइंट्स थे जीरो माइनस वन और प्लस वन तो मैंने जीरो माइनस वन और प्लस वन बना लिए यहां पर मैंने लाइंस इसलिए खींची हैं क्योंकि मेरा ग्राफ एक बार तो प्लस वन के ऊपर जा रहा है और एक बार माइनस वन के नीचे आ रहा है अब यहीं से सारा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है देखिए जीरो से वन के बीच में जीरो से वन के बीच में मुझे क्या देखना है जीरो से वन के बीच में मैं क्या देखता हूं कि वन से ये वाला जो मेरा पॉइंट है जीरो सॉरी पाई बाई टू वाला मेरा जो पॉइंट है दिस माई पाई बाई टू वाला पॉइंट 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 दिस ठीक इस से से मेरा ग्राफ उठेगा लेकिन कहां से उठेगा लेकिन वन के आगे से उठेगा तो वन के आगे से ये ग्राफ उठेगा ध्यान देंगे वन के आगे से ये ग्राफ उठेगा और कहां जाएगा इंफिनिटी की तरफ जाएगा लेकिन किस लाइन पर एक्स एक्सिस पर तो देखेंगे मेरा ग्राफ यहां से कहीं से उठना चाहिए इस जगह से ध्यान देंगे प्लस वन से और ये जाना कहां है इन्फिनिटी की तरफ जाना है मेरा ग्राफ प्लस वन से उठना है और इन्फिनिटी की प्लस वन से देखिए ये ये पॉइंट प्लस वन है प्लस वन से ग्राफ उठेगा और इन्फिनिटी की तरफ जाएगा किधर से जाएगा एक्स एक्सिस वाली लाइन से तो मेरा ग्राफ यहां प्लस वन से उठना चाहिए और ये इंफिनिटी की तरफ जाना चाहिए कहां से एक्स एक्सिस वाली लाइन से ऐसे ही जाएगा बच्चों मेरा ग्राफ यहां से उठ रहा है क्लियर है पाई बाई टू पाई बाई टू वाली लाइन ये मेरी पाई बाई टू वाली लाइन थी दिस माई पाई बाई टू वाली लाइन यहां से ग्राफ उठा और वन से बाहर ही जाएगा ये ग्राफ मेरा वन से ऊपर जाएगा तो अबकी बार मेरा वन से ऊपर इधर हो गया ना क्योंकि मैंने एक्स और वाई एक्सिस बदल नहीं तो वन से ऊपर मतलब मैं राइट में जाऊंगा किसके थ्रू इन्फिनिटी कैसे पहुंचूंगा एक्स एक्सिस के थ्रू तो मैं इन्फिनिटी कैसे पहुंच रहा हूं एक्स एक्सिस के थ्रू क्लियर है चलिए नेक्स्ट देखता हूं कि नेक्स्ट क्या है अब यहां पर देखो मेरा ग्राफ माइनस वन से उठना चाहिए इस वाले पॉइंट से माइनस वन वाले पॉइंट से उठना चाहिए दिस पॉइंट और उसे इन्फिनिटी की तरफ जाना है ध्यान से देखेंगे बच्चों ग्राफ मेरा माइनस वाले पॉइंट से उठना चाहिए और इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए किधर से जाना चाहिए अगेन उसको एक्स एक्सिस के थ्रू इंफिनिटी से जाना चाहिए तो मेरा ग्राफ कहां से उठना चाहिए माइनस वन वाली लाइन से उठना चाहिए बच्चों कहां जाना चाहिए इंफिनिटी की तरफ जाना चाहिए मगर किधर से एक्स एक्सिस वाली लाइन से ये मेरी एक्स एक्सिस वाली लाइन थी तो मैं क्या बना दूंगा ऐसे बना दूंगा विद एरो arrow. बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों यहां पर एरोस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर आपने एरो गलत बना दिए तो सब कुछ गलत बन गया क्लियर है अब बच्चों अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन मैंने आपको बताया था डोमेन वो पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस पे हैं और जहां पर मेरा फंक्शन डिफाइंड है डोमेन्स वो पॉइंट हैं जो एक्स एक्सिस पे हैं और जहां पर मेरा फंक्शन डिफाइंड है तो मेरे फंक्शन का डोमेन क्या हुआ मेरे फंक्शन का डोमेन हुआ मेरा फंक्शन कब डिफाइन है यहां डिफाइंड है देखिए यहां से यहां तक अब आगे पूरा डिफाइंड है यहां से शुरू होकर यहां आगे पूरा डिफाइन है तो मेरा फंक्शन का डोमेन क्या आना चाहिए ध्यान से देखेंगे डोमेन फंक्शन का क्या आना चाहिए माइनस इंफिनिटी से माइनस वन माइनस वन इज इंक्लूडेड देखिए यहां पर डॉट है यूनियन वन से इंफिनिटी ये मेरे फंक्शन का डोमेन आना चाहिए ध्यान से देखिए एक बार फिर माइनस इंफिनिटी से माइनस वन वन से इंफिनिटी ये मेरे फंक्शन का डोमेन आना चाहिए रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज क्या है बच्चों रेंज मेरे लाई कर रहा है इसके बाहर तो कभी जा ही नहीं रहा है तो फंक्शन का रेंज क्या हो गया माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू बहुत ध्यान से देखेंगे फंक्शन का रेंज क्या हो गया माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू क्लियर है लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है क्या ये फंक्शन कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि एक्स तो कर तो एक्स कभी नहीं कट करना है दिस इज इंपॉर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन एक्स एक्सिस को कभी नहीं कट करेगा क्लियर है अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपसे प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं तो अगेन प्रिंसिपल वैल्यू आपकी यही होगी दिस विल बी योर प्रिंसिपल वैल्यू योर एक्स विल लाई बिटवीन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू विद जीरो नॉट इंक्लूडेड क्लियर है आई होप समझ में आया होगा इंटरेस्टिंग ग्राफ है अच्छा बिल्कुल ऐसे ही मुझे सीकेंट एक्स बनाना है सेम लॉजिक है बिल्कुल सेम लॉजिक है मुझे सीकेंड एक्स बनाना है तो मैं आपके सामने सीकेंड एक्स बना रहा हूं ध्यान से देखिएगा सीकेंड एक्स में अगेन मैं आपसे पूछूं तो जरा देखिए जीरो से पाई यहां पर मेरा फंक्शन वन वन है देखिए दिस एंड दिस यहां पर मेरा फंक्शन वन वन है, है जीरो से माइनस पाई में भी कई इंटरवल है बट हम क्लॉकवाइज या पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं तो जीरो से पाई मेरा फंक्शन वन वन है तो सबसे पहले मैं अपने फंक्शन को बना लेता हूं सी केंट एक्स को कि कैसे बनाता हूं जितना मेरा फंक्शन डिफाइंड है केवल उतने पे सबसे पहले बच्चों सबसे परीरो और पाई दोनों पॉइंट्स बना लेते हैं प्लस हमने देखा है कि एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट इज पाई बाई टू सबसे पहले मैंने क्या किया जीरो और पाई बाई टू जीरो और पाई बाई टू एंड पाई इन तीन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर दिया मैं बच्चों वही ग्राफ बना रहा हूं, बट अब की बार मैं सिर्फ फंडामेंटल पीरियड या आपकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में बना रहा हूं। साथ ही साथ मेरे ग्राफ में दो पॉइंट्स और थे कौन कौन से बच्चों प्लस वन एंड माइनस वन तो अपने ग्राफ में मैं क्या देख रहा हूं? सीकेंड इन्वर्स वाले ग्राफ में माइनस वन वाले पॉइंट से दिस पॉइंट यहां से मेरा ग्राफ नीचे की तरफ इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा था और प्लस वन से मेरा ग्राफ अगेन इट वॉज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी दोनों ही केसेस में मेरी जो लाइन है जिसके अबाउट ये चेंज हो रहा है दैट इज पाई बाई टू क्लियर है <coughs> मुझे इसी फंक्शन का इन्वर्स बनाना है तो अगेन बच्चों वही सेम कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे जो हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं सबसे पहले हमें क्या करना है एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स को वाई एक्सिस पे कर लेना है तो एक्स एक्सिस पे मेरे पॉइंट्स थे जीरो पाई बाई टू एंड पाई तो सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों जीरो पाई बाई टू एंड पाई ये मैंने पॉइंट्स बना लिए सेकेंड मुझे क्या करना है मुझे बच्चों y एक्सिस वाले पॉइंट्स को x एकस एक्सिस पे बना लेना है तो y एक्सिस वाले पॉइंट मेरे पास कौन से थे माइनस वन था बच्चों और प्लस वन था तो मैं इनको बना लेता हूं और सबसे पहले मैंने अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है अब मुझे मालूम है कि इसी स्ट्रक्चर पे कहीं मेरा सीकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ लाई करना चाहिए अब बच्चों देखेंगे बहुत ध्यान से ये मेरा पॉइंट कौन सा है एक्स एक्सिस पे मैं चल रहा हूं पाई और वाई एक्सिस में मैं चल रहा हूं माइनस वन तो ये मेरा पॉइंट है बच्चों पाई कॉमा माइनस वन जब मैं इसका इन्वर्स लूंगा तो ये मेरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा बच्चों माइनस वन एंड पाई ध्यान देंगे ये मेरी पाई बाई टू वाली लाइन है ये मेरी पाई वाली लाइन है तो माइनस वन कॉमा पाई ये पॉइंट मेरा यहां पर आ जाएगा क्लियर है आप देख रहे हैं माइनस वन कॉमा पाई इस पॉइंट से मेरा ग्राफ इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है फ्रॉम थ्रू दी लाइन पाई बाई टू तो मुझे क्या करना है बच्चों यहां से अपने ग्राफ को इंफिनिटी की तरफ टेंड कराना है फ्रॉम दी लाइन पाई बाई टू दिस वे क्लियर है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैं क्या कर रहा हूं यहां पे ये पॉइंट बच्चों मेरा कौन सा था ये पॉइंट था मेरा एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट प्लस वन वाला पॉइंट तो मुझे क्या देखना है प्लस वन वाला पॉइंट देखना है इसके अगर मैं क्वाड्रेंट्स बोलूं तो मेरे क्वाड्रेंट्स क्या हैं इसके एक्स एक्सिस पे जीरो है वाई पे प्लस वन है तो जब मैं इनवर्स लूंगा बच्चों तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा वन कॉमा जीरो तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा यहां पे वन कॉमा जीरो अब मुझे क्या देखना है वन कॉमा जीरो से मेरा ग्राफ इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है फ्रॉम द लाइन पाई बाई टू तो इट्स वेरी सिंपल वन कॉमा जीरो मेरा पॉइंट है यहां से मेरा ग्राफ इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा फ्रॉम द लाइन पाई बाई टू क्लियर है तो ये मेरे ग्राफ का बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए आई होप आपको समझ में आ रहा है देखिए बिल्कुल दोनों सेम तरीके से मैंने ग्राफ बनाए थे यहां पर भी मैं ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आइडेंटिफाई कर सकता था तो मैंने आपको दोनों ही ग्राफ्स ये इंक्लूडेड है दिस इज इंक्लूडेड मैंने आपको दोनों ही ग्राफ्स में दोनों तरीके के लॉजिक बता दिए आप जैसे चाहें वैसे सोच के बना सकते हैं चाहे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट ले लें तो आपने X वाले इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लिया यहां पर मैंने बिना के के किया था। Again, मेरा, मेरा ग्राफ बनेगा अगर मैं यहां पर डोमेन रेंज की बात करूं तो आप बताइए बच्चों फंक्शन का डोमेन क्या है क्लियरली मुझे दिख रहा है फंक्शन का डोमेन यही है माइनस इंफिनिटी से माइनस वन वन से इंफिनिटी अब अगर बच्चों यहां पर मैं फंक्शन की रेंज की बात करूं तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरे फंक्शन की रेंज आ रही है ये दिस इज द रेंज ऑफ माई फंक्शन बट यहां पर क्या इंक्लूडेड नहीं है बच्चों ये वाली लाइन इंक्लूडेड नहीं है तो अगर मुझे इस फंक्शन की रेंज लिखनी पड़ी तो मैं रेंज कैसे लिखूंगा दिस इज माई रेंज जीरो से पाई विद माइनस पाई माइनस पाई बाई टू मीन पाई बाई टू इज नॉट इंक्लूडेड एंड दिस विल बी माई प्रिंसिपल वैल्यू एज वेल क्लियर है तो आपने देखा इस लेक्चर में हमने कैसे सभी इन्वर्स फंक्शंस के ग्राफ बनाए उनका डोमेन समझा उनका रेंज समझा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यूज करनी है प्रिंसिपल वैल्यू समझी क्लियर है दिस लेज द बैकड्रॉप फॉर योर सेकेंड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास ट्वेल्व दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वंस यू आर अवेयर ऑफ दीज ग्राफ्स इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कैसे इनवर्स फंक्शंस काम कर रहे हैं आई होप द कॉन्टेंट वॉज फ्रूटफुल फॉर यू फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज डू सब्सक्राइब माई चैनल स्टे फिट स्टडी वेल थैंक यू